अंबाला जिले के खुड्डा गांव में पंजाब रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी है। बस यमुनानगर से नवाज शहर की ओर जा रही थी। आपको बता दें कि हादसा धुंध के कारण हुआ है। इसमें करीब 16 यात्री घायल हो गए हैं, हालांकि सभी को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है। अभी सभी को अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की बस सुबह यमुनानगर से नवाज शहर के लिए निकली थी। बस अंबाला कैंट होते हुए जानी थी, जो सवारियों से भरी हुई थी। सभी को हल्की चोटें आई हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। पुलिस का कहना है कि सभी के बयान दर्ज कर कार्रवाई